हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले फैक्टराइजेशन के बारे में। और फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है और इसके कुछ टाइप्स हैं। वो टाइप्स हमें जो एलसीएम में एचसीएफ में हमें जो काम आने वाले हैं वो पूरा टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। और एचसीएफ को जीसीएफ भी कहा जाता है, ये भूलना नहीं चाहिए। तो चलो उसको स्टार्ट करते हम। अगर समझो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला कि 12 के फैक्टर्स क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या? ये जो 12 है ये कौन से नंबर्स के टेबल में आता है उसको बोला जाएगा फैक्टर्स। या तो फिर दूसरे लैंग्वेज में अगर और देखा जाए तो ये जो 12 है ये कौन से नंबर्स के, दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनता है, तो ये 12 कैसे बनता है। तो आप समझो मैंने किसको पूछा तो आप क्या बोलेंगे कि सर 12 1s are 12 होते हैं, है क्या नहीं? 12 1s are 12 होते हैं ना। उसके बाद ये भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर 2 6s are 12 होते, ठीक है, ये भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई स्टूडेंट बोलेगा सर 3 4s are 12 होते हैं, ठीक है। फिर कोई स्टूडेंट बोलेगा 4 3s are 12 होते, तो वो तो मैंने लिख लिया कि 3 4s are 12 मतलब ही 4 3s are 12, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो ये सभी उनके टॉपिक से, उनके हिसाब से वो सभी अपने अपने जगह पर सही है और उनके आंसर भी सही है, क्योंकि यही है फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर कोई नंबर में यानी मल्टीप्लाई करने के बाद कोई नंबर मिलता है तो ये नंबर उसके फैक्टर कहलाए जाते हैं। यानी कि 12, ये 12 1s are 12 से भी बनता है, 2 6s are 12 से भी बनता है और 3 4s are 12 से भी बनता है। इसलिए 12 के फैक्टर्स होंगे 12 1 2 6 3 4। ओके, आ रहा होगा आपके समझ में कि ये इनको फैक्टर्स कहा जाता है। तो ये हो गए फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स निकालने के कुछ टेक्निक्स है, यानी मेथड्स है। टेक्निक्स बोलने से अच्छा उसके मेथड्स है, तो वो मेथड हम देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर तो हमने पिछले वीडियो में देखा है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्राइम नंबर मतलब क्या है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो कमेंट सेक्शन में और वीडियो के लास्ट में मैं प्राइम नंबर्स और डिविजिबिलिटी रूल, आपको ये तीन चीज़ें चाहिए। टेबल चाहिए 20 तक के, याद होना चाहिए, लर्न कर देना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए और प्राइम नंबर क्या है वो पता होना चाहिए। तो ये दोनों के वीडियो तो मैंने बना लिए हैं और इसके मैं कमेंट सेक्शन में आपको उसकी लिंक दे दूंगा। और लास्ट में भी वीडियो ख़त्म होने के बाद भी मैं इसके जो लिंक्स है वो शेयर कर दूंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या चाहिए, कोई नंबर के फैक्टर पूछे तो वो सभी फैक्टर मस्ट बी द प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर ही चाहिए। और वो अगर प्राइम नंबर मिलते हैं तभी उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। और अब इसके बाद जितने भी हम फैक्टर्स देखेंगे वो प्राइम नंबर्स के ही रिलेटेड देखने वाले, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको एक एग्जांपल पूछा जाए कि व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ 18 या तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, सो आप क्या लिखेंगे 2 9s are 18, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फैक्टर्स है, ओके, क्योंकि 9 के टेबल में भी 18 है और 2 के टेबल में भी 18 है। बट इसमें 2 ये प्राइम नंबर है, 9 ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसको और हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। 9 मतलब 3 3s are 9, सो इसलिए 18 के और फैक्टर क्या मिलते हैं हमको, ये 2 जैसे कि वैसे मल्टीप्लाई बाय ये 3 और मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3। अब देखो 3 3s are 9, 9 2s are 18 मिल गया हमको। और 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और ये भी 3 प्राइम है। तो इसका मतलब ये हो गई इसके प्राइम फैक्टर्स। आ रहा है समझ में, आ रहा है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन? आपको क्या करना है, सभी नंबर्स जिनको पूरों को मल्टीप्लाई करने के बाद 18 मिलेगा या जो दिया हुआ नंबर मिलेगा, तो वो अगर मिल गया आपको और सभी नंबर प्राइम नंबर होंगे तो समझ जाओ कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी सक्सेसफुल हो गई। जैसे कि 36, सो अगर मैं 36 लिखता हूँ तो 6 6s are 36, बट अब ये 6 भी प्राइम नहीं है, ये भी 6 प्राइम नहीं है। फिर इसको क्या करेंगे हम 6 को, और 2 3s are या तो 3 2s are 6, और ये 6 को भी 3 2 4 6, यानी कि ये इतने हमको नंबर मिल गए। सो इसलिए 36 इसके फैक्टर्स क्या हुए 3 × 2 × 3 × 2। और इसकी एक अच्छी मेथड ऐसी भी है कि आपको अगर इजी जाना चाहिए तो क्या करो, छोटा नंबर पहले लिख लो 2 मल्टीप्लाई बाई ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बार 3 है तो 3 3, 3 3 4 9, 9 2 4 18, 18 2 4 36। हमारा आंसर राइट है, चारों भी नंबर प्राइम मिल गए हैं और आंसर भी 36 आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये थी प्राइम फैक्टराइजेशन। होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है। ओके सो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद है सेकंड मेथड है फैक्टर ट्री, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, मुझे बहुत ही पसंद है ये फैक्टर ट्री निकालना, क्योंकि इसमें क्या होता है पता है क्या, ट्री के जैसे ब्रांचेस निकालने होते हैं और वो ब्रांचेस अगर निकाले तो फिर देखने के भी लिए अच्छा होता है। बट ये कंजूस स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें पेज थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए जो स्टूडेंट कंजूस होंगे वो तो दूर ही रहे मेथड से, है ना। तो ये जोक था। तो देखो स्टूडेंट्स फिर से हम देखते हैं 36। तो सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पर 36। अब ये जो 36 मैंने लिखा है इसके फैक्टर जो गिरते हैं ना तो उसको ब्रांचेस में दे देना चाहिए। सो 6 6 आर 36, ठीक है। तो ये ऑटो फोकस से परेशान हूँ मैं, वीडियो इसलिए ब्लर दिखता है कि ऑटो फोकस कर देता है कैमरा। ओके 6 6 आर 36। अब ये 6 प्राइम है क्या, नहीं है। अगर नंबर प्राइम नहीं होगा तो उसको सर्कल कर लो, कर लिए सर्कल, और उसके बाद इसके फर्दर ब्रांचेस गिराओ। तो 6 मतलब 2 3 आर 6 और ये भी 6 मतलब 2 3 आर 6, दिख रहा है ट्री के जैसा। और फिर लिख लो कि 36 इज इक्वल्स टू, अब ये चारों भी प्राइम है ना, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं। सो इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जो भी आपके प्राइम नंबर मिले हैं जिसको आपने ब्रांचेस में नहीं दिखाया तो वो सभी नंबर्स को आप क्या करेंगे इक्वल टू कर यहाँ पर लिख लेंगे। तो ऐसे नंबर से, और इसको चेक भी कर लेना इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। 36 यानी कि आ गया तो समझ जाना कि आप राइट चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें और एक एग्जांपल हम देखेंगे कि 32, अगर 32 देखा जाए तो 32 मतलब 4 8 जार 32 होता है, ठीक है। अब ये 4 भी प्राइम नहीं है और ये 8 भी प्राइम नहीं है। सो 4 मतलब फिर 2 2 जार 4, 8 मतलब 2 4 जार 8। अब 2 प्राइम हो गया, 2 प्राइम हो गया, 2 प्राइम हो गया, बट 4 प्राइम नहीं है तो 4 को सर्कल, और 4 का फिर से 2 2 जार 4। अब 1 2 3 4 5 बार 2 आया तो हेंस 32 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। आया आपको फैक्टर ट्री समझ में। उसके बाद थर्ड फाइंडिंग फैक्टर्स बाय सिंपल डिवीजन, और ये लास्ट टॉपिक है इसमें। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है एचसीएफ फाइंड करने में, और एचसीएफ को मैंने आपको क्या बोला था, जीसीएफ भी कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या तो फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको लैडर मेथड से भी पहचाना जाता है, ठीक है। इसमें आपको अब सिंपल डिवीजन करनी होती है जिसकी लैडर के तरह फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपको अगर बोला जाए कि फाइंड फैक्टराइज 4t बाय सिंपल डिवीजन, तो आप क्या लिखेंगे 4t। अब इसके आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। तो एक काम करो 4t यहाँ पर लिख लो और इस तरह से बॉक्स निकालो, ठीक है। और ये साइड में प्राइम नंबर ही आना चाहिए, ये साइड में क्या आना चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर आपको पता है 2 3 5 7 11 13 50 17 19 इतने 20 तक के है। तो उसमें से जो सबसे छोटा है 2, सो 2 से ये 40 को डिवाइड हो सकता है क्या, आया डिविजिबिलिटी रूल, 1 प्लेस में 0 है तो 2 से होता है। सो इसलिए जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो लिखो यहाँ पर, आया 2। अब 2 से डिवाइड करो, 2 से 40 को डिवाइड करने के बाद 2 2 जार 4 और 2 0 0, देखो 20 2 जार 40, ठीक है। ये मन में मैंने क्या किया, मन में ही कर लिया इसका डिवीजन। ऐसा भी आप ऐसा भी कर सकते हो साइड से 40/2, 2 2s are 4, 0 नीचे आया 0, 2 0 0 आया 20। तो देखो स्टूडेंट्स 20 2s are 40। फिर से लैडर के जैसा एक बॉक्स दे दो। अब जैसे आपने 40 के साथ किया था वैसे ही आप 20 के साथ भी करो। इसको भी 2 से जाता है सो 2 10s are 20। जैसे ये 10 20 से किया वैसे ही ये 10 से भी 2 5s are 10 और फिर 5 जो लास्ट में बचा है तो इसको 5 से ही होता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। सो 5 1s are 5। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक भी प्राइम नंबर नहीं आया था यानी कि ये 5 को भी इधर ले लिया हमने, खींच लिया और यहाँ पर अब पूरे 5 प्राइम नंबर आ गए हैं। इसलिए 40 का फैक्टर से 40 के 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 5 आया कि आपको समझ में। और एक करके हम देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि आप थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे 105। ठीक है, तो फिर से लिखता हूँ मैं 105। बॉक्स के जैसा मैं पैटर्न निकालता हूँ। वंस प्लेस में 5 है इसलिए 5 से इसको डिवाइड होगा। सो 5 5 2s are 10, 5 1s are 5। उसके बाद फिर से फॉर्मेशन 3 2 plus 1 3, 3 के टेबल में 3 7s are 21 और जो लास्ट का 7 बचा 7 1s are 7। सो 105 के फैक्टर क्या है 5 multiply by 3 multiply by 7। तो ये है फाइंडिंग फैक्टर्स बाय सिंपल डिवीजन या तो लैडर मेथड, जो बोलोगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको सिर्फ सॉल्व करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे तीनों भी टाइप्स। उस पर एक एग्जाम्पल हम कॉमन देखते हैं और उसके बाद असाइनमेंट मैं दे दूंगा। एग्जाम्पल है फैक्टराइज 80 को फैक्टराइज करो तीनों भी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर ट्री और सिंपल डिवीजन। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम। सो फर्स्ट लिखेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो 80 इज इक्वल्स टू 80 को मैं लिख सकता हूँ 240। ठीक है, 80 को लिखा मैंने 2 40s are 80। फिर से ये 2 जैसे के वैसे ही लिखता हूँ मैं। 40 मतलब 2 20s are 40। फिर से मैं ये 2 वापस, ये 2 वापस, फिर से 2 20 मीन्स 2 10s are 20। फिर से ये 2 लिखा मैंने, फिर से ये 2 लिखा मैंने, फिर से ये वाला 2 लिखा और ये 10 के और फैक्टर पड़ते हैं कि 2 5s are 10। तो ये 80 के फैक्टर हमको मिल गए। एक मेथड इसमें। दूसरा भी देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में कि 80 के जगह पर आपने 2 into 40 के जगह 8 into 10 लिखा तो क्या होगा। ये थोड़ी सी शॉर्टकट मेथड है। सो 8 मतलब तो आपको अभी तक पता हो गया होगा कि 2 2s are 4 2s are 8 यानी कि 3 बार अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2s are 4 4 2s are 8 यानी कि इसके 3 फैक्टर लिख लिया। और 10 मतलब 2 5s are 10। ये शॉर्टकट है। देखो 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 5 2s are 10 10 2s are 20 20 2s are 40 40 2s are 80। ये भी वही है। तो आंसर लास्ट के आंसर से हमको लेना देना है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पीड बढ़ानी है, स्कॉलरशिप एग्जाम में स्पीड बढ़ानी है, SCF LCM फाइंड आउट करने में स्पीड बढ़ानी है तो फिर उसके लिए ऐसी मेथड यूज़ करो। कोई भी बड़े बड़े नंबर लो और वो बड़े बड़े नंबर के फिर फैक्टर ढूंढो। तो ये हो गई फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री लगभग ऐसे ही है। सो 80 के फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं हम 8 10s are 80 लिख सकते हैं। ओके, तो 8 10s are 80 लिखता हूँ मैं। 8 मतलब 2 4s are 8 था। ठीक है, 10 मतलब 2 5s are 10 था। इनको सर्कल करना भूल गया था मैं, सर्कल कर लेता हूँ। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है बट 4 प्राइम नहीं है। इसको सर्कल किया, नीचे 2 2s are 4। तो फिर से लिखता हूँ मैं 80 is equals to 1 2 3 4, 1 2 3 4 टाइम्स 2 और 1 टाइम 5। ये हो गया फैक्टर ट्री। और लास्ट है सिंपल डिवीजन। सो 80 ये दिया बॉक्स के जैसे मैंने, तो यहाँ पर प्राइम नंबर ही चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर 5 से होता होगा क्योंकि 0 है। सो मैं पहले बड़ा भी नंबर लूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 5 1s are 5 बचे 3, 5, 6 जार 30। फिर यहाँ पर 2, 2, 8 जार 16। यहाँ पर 2, 2, 4 जार 8। यहाँ पर 2, 2, 2 जार 4। यहाँ पर 2, 2, 1 जार 2। सो ये देखो 80 इज इक्वल्स टू 2, 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कभी कभी मैं लास्ट क्लास में स्पीड बढ़ा देता हूँ, क्योंकि नहीं अगर समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को वापस देख सकते हैं, और समझ में आ रहा होगा तो आपका टाइम पास नहीं होगा। इसके बाद जो हम हमेशा देखते हैं वो है हमारी असाइनमेंट। तो स्टूडेंट ये ऐसी ही असाइनमेंट है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर ट्री और सिंपल डी। तीनों भी इससे आपको ये जितने कितने 30 एग्जाम्पल मैंने दिए है कि 30 एग्जाम्पल आप अच्छे से सॉल्व करो, आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम जाएगी नहीं। पूरी तरह से ये फैक्टराइजेशन समझ में आएगा, और LCM SCF में तो फिर से मैं आपको पूछने वाला हूँ इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और सॉल्व कर दो। होप करता हूँ मैं आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो, क्योंकि मेरे वीडियो बनाता तो मैं बहुत मेहनत से हूँ, बट व्यू बहुत कम आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और लाइक करते जाओ, क्योंकि लाइक अगर किए तो अगले स्टूडेंट्स पे जो देखने वाले हैं उन पर अलग इंप्रेशन थोड़ा पड़ता है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब टिल देन बाय।